डिश टीवी सेट टॉप बॉक्स से कैसे मोटर में काम करते हैं, बिना टीवी ट्यूनर के कैसे मोटर में काम करते हैं, चले देखिए। ये डिश टीवी जो है HD चाहिए, HD सेट टॉप बॉक्स चाहिए, और ये पीछे वाला है जो HDMI पोर्ट चाहिए। ये है HDMI पोर्ट, देखिए HDMI पोर्ट, और यह जो है ये वाला अमेजन से ख़रीदा था मैंने, HDMI टू VGA अडेप्टर आउटपुट है VGA, तो हम यहाँ से ये जोड़ देंगे। और यहाँ पर जो है ऑडियो है, तो चलते हैं काट करके देखते हैं जो कैसे चलाते हैं बिना टीवी के। इसका दाम है सिर्फ 480 रुपया, तो टीवी ट्यूनर की खरीदने थे 1500 रुपया लगते हैं, तो पैसा ज़्यादा लगते हैं। कम पैसे में आप कैसे बिना टीवी ट्यूनर के मॉनिटर में देख सकते हैं। ये है मॉनिटर का VGA, कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर HDMI पोर्ट जुड़ गया, यहाँ पर HDMI पोर्ट जुड़ गया, यहाँ से जो है यहाँ पर ऑडियो, ये जो साउंड सिस्टम है मेरा, साउंड सिस्टम चाहिए नहीं, मॉनिटर में साउंड नहीं आएगा, इसलिए अलादा साउंड सिस्टम चाहिए। यह हम थिएटर का है, तो यहाँ पर जुड़ गई है। हो गया, और यहाँ पर जो है VGA तो मॉनिटर से जुड़ जाएगा। देखिए जुड़ गया, और होम थिएटर का लाइन आना चाहिए, इसका लाइन दे रहा है, ये जो है डिश टीवी, इसका लाइन दे रहा हूँ मैं, ये और ये, और साउंड सिस्टम का देखिए, ये डिश टीवी का रिमोट है, बिना टीवी ट्यूनर के काम हो चलेगा ये। मोटर में कैसे कनेक्ट हो गया, साउंड भी हो रही है, इसलिए आप इसे बेझिझक होकर ले सकते हैं।
दोस्तों देखिए आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।